हाउ ओरेकल ग्रियो, किस तरह से जो है वो ओरेकल ने ग्रियो किया। इसमें सबसे पहले है जी आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज फाउंडेड इन 1977 बाय लैरी इलिजन बॉब माइनर एडियोट्स। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो आपकी लेबोरेटरीज हैं, ये आपके पास एक कंपनी है जिसको 1977 में जो है वो फाउंड किया गया। ये आपके पास जो है लैरी इलिजन बॉब माइनर इडियट्स, ये जो है फाउंडर का नेम है। इसका नेम जो है वो चेंज किया गया, चेंज्ड नेम टू रिलेशनल सॉफ्टवेयर। इसका नाम जो है बाद में रिलेशनल सॉफ्टवेयर रखा गया। इनकॉर्पोरेटेड इन 1978 में जो है इसका नेम जो है वो रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेटेड कर दिया गया। ये बेसिकली ओरेकल की हिस्ट्री है। इसके बाद क्या हुआ, रिलीज्ड फर्स्ट कमर्शियल RDBMS इन 1979। जो फर्स्ट आपकी RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थी, उसको 1979 में जो है वो रिलीज़ किया गया। आपने फर्स्ट सेकंड स्लाइड में हमने अभी पढ़ा है कि 1980 में जो फर्स्ट RDBMS थी, उसको जो है वो ओरेकल वर्जन 2 के नेम से जो है वो डेवलप किया गया। तो वो बेसिकली 1979 में रिलीज़ हुई थी। वो 1980 उन्होंने मेरे ख्याल से राउंड अबाउट करके लिखा हुआ है। इसके बाद है जी रीनेम्ड टू ओरेकल कॉरपोरेशन इन 1983 एंड रिलीज़ आ पोर्टेबल वर्जन ऑफ ओरेकल रिटन इन सी। अब इन्होंने 1983 में इसको रीनेम्ड कर दिया ओरेकल कॉरपोरेशन के नेम से। और इसके बाद जो है इसका इसी ईयर में 1983 में एक पोर्टेबल वर्जन क्रिएट किया गया जो कि सी की लैंग्वेज में राइट था। इसके बाद है जी ओरेकल एक्वायर्स BEA सिस्टम्स एंड इंट्रोड्यूस ओरेकल एग्जा डेटा इन 2008। अब BEA सिस्टम्स जो आपके पास थे, BEA सिस्टम्स भी एक कंपनी थी, इसको ओरेकल ने ओन किया 2008 के अंदर। इसके बाद है जी ओरेकल कंप्लीट्स सन एक्विजिशन एंड इंट्रोड्यूस एक्सालॉजिक इलास्टिक क्लाउड इन 2010। अब इसके बाद सन माइक्रो सिस्टम्स के नाम से एक कंपनी थी, ये में भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी या जावा थी, जो सन माइक्रो सिस्टम्स ने ही बनाई थी। ये गालबन 82 या 89 से चल रही थी। इसको भी ओरेकल ने एक्वायर कर लिया था 2010 के अंदर। अब इन डेट्स में इस एक्विजिशन के साथ क्या हुआ, अब 2008 में जब ओरेकल ने BEA सिस्टम्स को ओन किया, तो उस वक्त ओरेकल ने एक एक्सा डाटा को लॉन्च किया। अब एक्सा डाटा हमारे पास क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। एक्सा डाटा जो है हमारे पास, ये एक तरह की आपके पास जो है ये मशीन होती है, इसको आप मशीन कह सकते हैं एक्सा डाटा को। अच्छा जी, ये एक मशीन होती है आपके पास एक्सा डाटा, जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर पैकेज जिसको हम कह सकते हैं, जैसा कि CPU होता है या एक कंप्यूटर होता है। ये इस तरह की एक मशीन थी जिसके अंदर हार्डवेयर भी ओरेकल ने लगाया हुआ था और सॉफ्टवेयर भी ओरेकल ने लगाया हुआ होता था, और वो जो है एज अ डाटा बेस सर्वर के तौर पर काम करती थी। अब ओरेकल ने एक्जा इलास्टिक क्लाउड, जो नीचे मेंशन है एक्जा लॉजिक इलास्टिक क्लाउड के नेम से, एक सर्विस लॉन्च की 2010 के अंदर। तो जब इन्होंने सन माइक्रो सिस्टम्स को ओन कर लिया, तो ये क्या था, ये एक क्लाउड सॉल्यूशन था डेटाबेस के हवाले से। क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये आप सबको पता होगा। तो इसमें हम ऐसा कर सकते थे, क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बाय कर लेते थे क्लाउड से। अभी भी जो कि ये चल रहा है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इजीली क्लाउड से जो है वो बाय कर लेते हैं। क्लाउड से इंफ्रास्ट्रक्चर को बाय करते हैं और इसमें हम हार्डवेयर को सिलेक्ट करते हैं कि हमारी कंपनी की इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें इस लेवल का डेटाबेस चाहिए और हमें इतने रिसोर्सेज चाहिए, तो वो सारी चीज़ें बाय करते हैं। और बैकएंड पे ये सारा काम किस तरह से हो रहा होता है, ये सारी वर्चुअलाइजेशन हो रही होती है। क्लाउड मीन्स वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड का मतलब ही वर्चुअलाइजेशन है।
सो द लास्ट लाइन की अगर हम बात करें, ओवर द पास्ट 40 प्लस ईयर्स, अब देखिए कंपनी जो है वो 1977 में फाउंड की गई थी, तो अगर हम अभी कैलकुलेट करें तो ये मोर देन 45 ईयर्स बनते हैं. विद ईच डेटाबेस रिलीज ओरेकल हैज़ इम्प्रूव्ड स्केलेबिलिटी, ओरेकल स्केलेबिलिटी फंक्शनैलिटी एंड मैनेजेबिलिटी टू अचीव द रिकॉग्निशन एज डेटाबेस मार्केट लीडर. अब 45 ईयर्स बनते हैं तो डेटाबेस ने और एकल ने जो है वो अपनी हर अपनी नई रिलीज़ के साथ जो है वो अपनी फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्रूव किया, स्केलेबिलिटी के हवाले से, फंक्शनैलिटी के हवाले से. जो डेटाबेस जो है न्यू आती थी उसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ को उन्होंने कवर किया. इसके बाद जो है मैनेजेबिलिटी के हवाले से ज़्यादा उन्होंने बेहतर किया अपनी मैनेजमेंट को. तो ये आपके पास एक ब्रीफ हिस्ट्री थी ओरेकल की. इसके बाद हम देखते हैं द ओरेकल डेटाबेस फैमिली. यहाँ पे आपके पास जो लेटेस्ट वर्जन है उसके बारे में बताया हुआ है. ओरेकल डेटाबेस 19C आपका जो है लेटेस्ट वर्जन है ओरेकल का. ये मैं आपको बता चुकी हूँ जिसके इंस्टॉलेशन के बारे में मैंने आपको कहा था कि इसकी आपने इंस्टॉलेशन करनी है. Oracle Database 19c is the most recent version. The family of database products. अब इसके जो है तीन एडिशन हैं, एक एंटरप्राइज एडिशन है आपके पास और एक है आपके पास स्टैंडर्ड एडिशन और लोएस्ट पे है आपके पास एक्सप्रेस एडिशन. अगर मैं एंटरप्राइज एडिशन की बात करूँ तो ये आपकी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया गया है, और अगर स्टैंडर्ड एडिशन की बात करूँ तो ये आपकी मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया गया है, और अगर एक्सप्रेस लेवल की बात की जाए तो ये बिल्कुल आपका एंट्री लेवल का एडिशन है. ये फ्री अवेलेबल है और ये बिल्कुल जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है. स्टैंडर्ड और आपके जो एंटरप्राइज एडिशंस हैं ये आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगे, इनके लिए आपको पे करना पड़ेगा. इसके बाद हम देखते हैं जी समरी ऑफ ओरेकल डेटाबेस फीचर्स. अब आपके जो ओरेकल डेटाबेस के फीचर्स हैं उनकी हम जो है वो समरी पढ़ेंगे. डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट फीचर. सबसे पहले अगर हम बात करें डेटाबेस प्रोग्रामिंग की, जिसमें हम पढ़ते हैं जी SQL के बारे में, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो आप डेटाबेस में भी ऑलरेडी कवर कर चुके हो SQL को. यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि SQL जो है ये एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो कि प्रोवाइड करती है बेसिक फंक्शंस फॉर डाटा मैनिपुलेशन, डाटा की मैनिपुलेशन के लिए, ट्रांजैक्शन कंट्रोल के लिए एंड रिकॉर्ड रिट्रीवल के लिए. जिसमें आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा कि SQL की मदद से हम DML की कमांड्स, DDL की कमांड्स, DCL की कमांड्स, जितनी भी कमांड्स हैं वो हम SQL की मदद से परफॉर्म करवाते हैं. SQL बेसिकली एक लैंग्वेज है जो कि हमें डेटाबेस के साथ जो है वो इंटरेक्ट करवाती है. इसके बाद अगर हम बात करें PL SQL की, तो ये आपके पास जो है PL SQL ये आपके पास प्योर जो है ओरेकल का फीचर है. अगर इन फीचर्स को, ये जो आपका SQL फीचर है, इसको अगर हम स्पेसिफिकली ओरेकल की तरफ से ना भी देखें तो ये रिलेशनल डेटाबेस में अवेलेबल होता है. अब अगर मैं PL SQL की बात करूँ तो PL SQL जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो ओरेकल का फंक्शन है. PL SQL इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज एक्सटेंशन टू SQL. ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है और एक्सटेंशन टू SQL इज़ कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम लॉजिक मॉड्यूल्स फॉर एप्लीकेशंस. अब बेसिकली PL SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोसीजरल लैंग्वेज की एक्सटेंशन है डेटाबेस के अंदर या फिर SQL के अंदर. अब SQL एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है जिसमें हम ये स्पेसिफाई नहीं करते कि हाउ टू डू. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसमें हम सिर्फ ये देते हैं व्हाट टू डू. हमें ये रिकॉर्ड चाहिए और हमें ये दे दो. कैसे रिकॉर्ड लाना है, कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो हम कुछ नहीं बताते हैं इसमें. लेकिन अगर PL SQL की मैं बात करूँ तो PL SQL के अंदर हम लिख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले स्टोर्ड प्रोसीजर्स की बात की है, तो उसमें हम प्रॉपर डेफिनेशंस भी देते हैं. फ़लाँ स्टूडेंट का डाटा लाओ, फ़लाँ स्टूडेंट का डाटा सिलेक्ट करो, मार्क्स की कैलकुलेशन करो, परसेंटेज निकालो. तो ये सारे स्टेप्स हैं एक प्रोसीजर लैंग्वेज के
तो PLSQL जो है ये एक एक्सटेंशन है प्रोसीजरल लैंग्वेज की SQL के अंदर। अब PLSQL कैन बी यूज टू बिल्ड स्टोर्ड प्रोसीजर्स, जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ किस तरह से हम राइट करते हैं। ये हमें कौन परफॉर्म करवाने में मदद करवाता है? PLSQL। ट्रिगर्स, अब ट्रिगर्स भी परफॉर्म करवाने में PLSQL हमें हेल्प करती है। अब ट्रिगर्स क्या होते हैं? अब अगर ट्रिगर्स की जो है मैं डेफिनेशन आपको बताऊं कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, तो ट्रिगर्स बेसिकली आपके पास कुछ एक्शंस होते हैं। जब मैं अगर आपको मिसाल दूं, जब भी स्टूडेंट के टेबल में एक नई एंट्री होती है तो कोई एक एक्शन परफॉर्म होगा, और वो जो एक्शन परफॉर्म होगा उसको हम कहते हैं जी ये एक ट्रिगर है। इसके बाद लूपिंग कंट्रोल्स भी यूज़ होते हैं इसके अंदर। इसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, हम कंडीशन सेट कर सकते हैं कि आपके पास जो है अगर स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं तो उसको ए ग्रेड दिया जाए, अगर 80-90 हैं तो ए, 90 से कम हैं तो बी। इस तरह से हम जो है वो कंडीशन भी सेट कर सकते हैं। और इस तरह से एरर हैंडलिंग, अगर कोई भी एरर आ जाता है तो उसको भी PLSQL आपकी हैंडल करेगी। जावा एंड जावा वर्चुअल मशीन। इसके बाद आपके पास जो सेकंड है वो है जी डेटाबेस एक्सटेंसिबिलिटी। पहला हमने पढ़ा डेटाबेस प्रोग्रामिंग, SQL, PLSQL की बात की। इसके बाद है जी डेटाबेस किस तरह से विद द टाइम एक्सटेंड हुई, किस तरह से उसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो हैं आपके पास मैनिपुलेशंस जो हैं वो ऐड की गई। ओरेकल मल्टीमीडिया प्रोवाइज टेक्स्ट मैनिपुलेशन, इसमें हम बात करते हैं कि विद द टाइम जो है वो चेंजिंग हुई। अगर पहले आपकी डेटाबेस सिर्फ टेक्स्ट को सपोर्ट करती थी तो उसके बाद जो है एडिशनली उसके अंदर इमेज को भी सपोर्ट करती है, अब ऑडियो को भी, इस तरह से वीडियो को भी सपोर्ट करती है, लोकेटर फंक्शंस जितने भी हैं। XMLDB प्रोवाइड्स द नेटिव सपोर्ट फॉर XML डाटा टाइप्स। तो ये था आपके पास डेटाबेस की फर्स्ट स्लाइड फीचर्स की। इसके बाद है हमारे पास